Hello everyone, myself Sanskriti Jain. I am going to tell you about 3D printing today. 3D printing होता क्या है, कैसे काम करता है, उसके benefits, limitations और उसका industrial application क्या है, ठीक है, हम ये सब देखेंगे अब आगे. और 3D printing को additive manufacturing भी कहते हैं. इसको हम traditional manufacturing से compare करेंगे और जानेंगे कि current state of technology में कैसे इस्तेमाल होता है ये. ओके, 3D प्रिंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम फिजिकल ऑब्जेक्ट फ्रॉम 3D डिजिटल मॉडल बना सकते हैं, ठीक है. कैसे? एक के ऊपर एक थिन सक्सेसिव लेयर्स ऑफ अ मटेरियल ले डाउन करके. ओके, इसमें टू फंडामेंटल इनोवेशंस लेके आता है ये. पहली कौन सी? मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कैसे इनके डिजिटल फॉर्मेट्स में, और मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू शेप्स बाय एडिशन ऑफ मटीरियल्स. अब हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ 3D प्रिंटिंग. ओके, 1800s में 3D प्रिंटिंग ऑफिशियली ज़्यादा वो नहीं था, वो लेट 20th में स्टार्ट हुआ, ठीक है. बट इन 1859 अ फ्रेंच फोटो स्कल्प्टर नेम फ्रांसोइस विलियम, उसने डेमोन्स्ट्रेट किया था 3D स्कैनिंग टेक्नोलॉजी 24 कैमराज को यूज़ करके फोटोग्राफ्स ले के सब्जेक्ट्स की डिफरेंट एंगल्स से. 1892 में जोसेफ ई ब्लैंथन वॉज अवॉर्डेड 3D टोपोग्राफिकल मैप्स बनाने के लिए यूजिंग लेयरिंग मेथड, ठीक है. फिर आया 1980 जिसमें डॉक्टर हिडियो कोडामा ऑफ नागोया म्यूनिसिपल इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसने फोटोपॉलीमर रैपिड प्रोटोटाइपिंग सिस्टम डिस्क्राइब किया था. ओके, 1986 में चक हल ने स्टीरियोलिथोग्राफी अपैरेटस इन्वेंट किया था, ठीक है, विच इज़ अ वेरी फेमस मेथड ऑफ प्रिंटिंग ऑब्जेक्ट्स लेयर बाय लेयर, ठीक है, यूजिंग प्रोसेस इन विच लेजर्स आर यूज. ओके, इन 1987 कार्ल डेकार्ड ने एन ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ 3D प्रिंटिंग, जिसमें लूज पाउडर को एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है. फिर 1989 में एस स्कॉट क्रम्प ने अपने फेलो मेंबर, अपनी वाइफ, उनके साथ मिलकर एक नया मेथड मैन्युफैक्चर किया, दैट इज फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड FDM. ओके, लेटर उसने को फाउंड किया स्टैटासियस, ओके, जो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कंट्री कंपनीज इन द वर्ल्ड टूडे. ओके, 2004 में एड्रियन बोअर ने अ सीनियर लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एट UK's यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ फाउंड रेप्रैप प्रोजेक्ट, ठीक है. 2008 में शेप फ्रेस एक डिवाइस है, वो नीदरलैंड ने लॉन्च किया. 2009 में मार्क बोट लॉन्च हुआ, ठीक है, और हेल्प ब्रिंग्स 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू मेनस्ट्रीम. 2017 में HP ने अपना फर्स्ट 3D प्रिंटिंग प्रिंटर निकाला, दैट इज़ मल्टी जेट फ्यूजन 3D प्रिंटर, और 3D प्रिंटिंग मार्केट में अपना पहला कदम रखा. डिफरेंस बिटवीन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग दैट इज 3D प्रिंटिंग एंड ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है. इन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्सिटी कॉस्ट कम होती है, और ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग में जितना कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट होगा उतनी ज़्यादा उसकी मेकिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है. एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में जो सिंगल 3D प्रिंटर्स यूज होते हैं वो डिफरेंट शेप फैब्रिकेट कर सकते हैं एट ईच टाइम. ओके, ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग लेस वर्सेटाइल होती है एंड कैन मेन ओनली मेक ऑब्जेक्ट्स इन अ लिमिटेड स्पेक्ट्रम ऑफ शेप्स, ठीक है. 3D प्रिंटिंग जो होते हैं वो इंटरलॉक पार्ट बना सकते हैं, दे डोंट नीड असेंबली लेटर. बट जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें मोर पार्ट्स अ प्रोडक्ट कंटेन्स, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा असेंबल करने में और वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा. ओके, लाइक यू हैव सीन कार्स, उसके इंजन कहीं बनता है, टायर कहीं बनता है, और शीशे कहीं बनते हैं, जगह जगह बनते हैं, फिर वो लास्ट में जाके असेंबल होते हैं. बट एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग दैट इज 3D प्रिंटिंग में ऐसा कोई सीन नहीं होता. 3D प्रिंटिंग जो होती है उसमें क्या होता है कि लेस मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स रिक्वायर होती है, बट ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग में हमें काफ़ी लंबी लंबी महीनों महीनों की, सालों सालों की ट्रेनिंग्स रिक्वायर होती है, ठीक है. 3D प्रिंटर दैट वर्क इन मेटल क्रिएट लेस वेस्ट, ओके, और इसे ग्रीनर वे में हमारा वो ऑपरेट करता है, ठीक है. बट ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग में
मशीनिंग मेटल इज हाईली वेस्टफुल। ओके, 3D प्रिंटिंग में क्या होता है कि केपेबल ऑफ ब्लेंडिंग एंड मिक्सिंग डिफरेंट रॉ मटेरियल्स और सिंगल कॉम्पोनेंट बन के फिर हम काम कर सकते हैं, और ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग में मशीन्स जो होती हैं वो इजिली ब्लेंड नहीं कर सकती रॉ मटेरियल्स को। इन द यूनिट कॉस्ट वी कैन सी द ग्राफ बिलो। ओके, 3D प्रिंटिंग जो है वो ग्रेट ज्योमेट्रिक फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है एंड कैन प्रोड्यूस कस्टम पार्ट्स एंड प्रोटोटाइप्स क्विकली एंड एट अ लो कॉस्ट। बट जब लार्ज वॉल्यूम, टाइट टॉलरेंसेज और डिमांडिंग मटेरियल प्रॉपर्टीज रिक्वायर होती है तो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज आर बेटर ऑप्शन। ठीक है, फ्रॉम द ग्राफ बिटवीन कॉस्ट पर पार्ट एंड क्वान्टिटी वी कैन सी दैट जब कम क्वान्टिटी है तो कॉस्ट पर पार्ट फॉर सब्सट्रैक्टिव और फॉर्मेटिव दैट इज CNC मशीनिंग एंड इंजेक्शन मोल्डिंग कॉस्ट पर पार्ट बहुत ज़्यादा हाई है, बट 3D प्रिंटिंग की जो कॉस्ट पर पार्ट है वो एक काफ़ी मिनिमम लेवल पे है। ओके, पर जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जा रही है सब्सट्रैक्टिव और फॉर्मेटिव की कॉस्ट पर पार्ट कम होती जा रही है, और एडिटिव की कम हुई है पर बहुत ज़रा सा। ठीक है, और इसलिए बेटर होता है कि जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए हो तो फिर हम ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज यूज़ करें, बट अगर कम क्वांटिटी में कम वॉल्यूम में चाहिए तो हम 3D प्रिंटिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ करें। ठीक है, अब वर्किंग ऑफ 3D प्रिंटिंग एंड हाउ इट वर्क्स यू शुड वॉच इट इन द नेक्स्ट पार्ट।